गौर से ध्यान दीजिए आप लोग, आज आपको कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सब ध्यान दे रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सब ध्यान दीजिए। आपका फॉर्मूला होता है, गौर से ध्यान दीजिएगा तो समझ आइएगा। तो आपका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इसको पढ़ेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब कहिएगा सर परीक्षा में क्वेश्चन कैसे रहेगा, ये तो फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन कैसे रहेगा? ये देखिए डायरेक्टली आंसर मारना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब कहिएगा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए ऊपर ध्यान दीजिए रहेगा। मान कर चलिए क्वेश्चन आपको दे दिया एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी, सुनिए ना, सुनिए क्वेश्चन आपको दिया है एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस बी। आपको क्वेश्चन दिया, आपको बनाना कैसे बनाए किसका डायरेक्ट आंसर, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इसका आंसर बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को मानो ए और बी को मानो ए, लेकर मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया आंसर, समझे, हो गया। अगला ध्यान दीजिए, अब कहिएगा सर जी नहीं समझे एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, ध्यान दीजिए एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, इसका आंसर बताइए। तो याद रखिएगा फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस कुछ होता है माइनस का होता है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए का मान कौन सी है, तो एक्स स्क्वायर कर दीजिए माइनस के माइनस ए, बी का मान कौन सी है एक का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया आंसर। अब बताइए एक का स्क्वायर एक क्या रहेगा, हो गया आंसर, ध्यान दीजिए सर। अब कहेगा सर जी बी प्लस थ्री इंटू बी माइनस थ्री रहेगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, ए सर ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाएंगे, ऊपर ध्यान दीजिएगा सर बी प्लस थ्री इंटू बी माइनस थ्री, इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का तरीका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब बी का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर, बात समझे। अच्छा बताइए बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर माइनस तीन का स्क्वायर क्या होगा, समझे। अगला एक्स प्लस वन इंटू, ध्यान दीजिए एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव, इसको बनाना कैसे बनाएंगे, एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक्स तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिए माइनस, ये देखिए पाँच, पाँच का स्क्वायर कर दीजिए पाँच का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पाँच बचे पच्चीस, हो गया आंसर, बात समझ में आया। जैसे अब ये बस सही होगा, आप ये बना बुझाने को लास्ट वाला क्वेश्चन बताइए, मान कर चलिए वाई प्लस आपको दे दिया यार इंटू वाई माइनस आठ दे दिया, कैसे बनाइएगा, ठीक करके वाई है ना वाई का स्क्वायर कर दीजिए।